दिस इज सो अमेजिंग, लाइक आप क्राउड देख सकते हैं, दिस इज सो ह्यूज। आपको कितना मजा आ रहा है? मुझे बहुत मजा आ रहा है, कांट टेल यू। करके दिखाएं जो पहले कह रही थी। मुझे बड़ा मजा। बहुत अच्छा इवेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ है, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, और बहुत अच्छी, बहुत देर बाद इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, फैमिली इवेंट है। तो फैमिली को गुजरामाला में पिछले साल एक दफ़ा कवाली हुई थी, तो बहुत एक साल बाद कवाली आ रही है और लोग आ रहे हैं, और संतोष साहब आ रहे हैं, लोग उनके बहुत ज़्यादा फैन हैं, और हम बहुत, और एक बड़ा अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट। आई थिंक सो कवाली नाइट सेकेंड टाइम हुई है, इट्स बीन 2 ईयर्स, और यहाँ पर इतना मज़ा आ रहा है, कांट इवेंट चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत एनर्जेटिक और वाइब्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। उन्होंने काफी डिपार्टमेंट से भी लोग बुलाए हैं, एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, एनवायरनमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। मजीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मोमना शहबाज। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं गुजरामाला के डिज़ायर मार्केट में, जहां पर कवाली नाइट का अहतमाम किया गया। यहां पर मुल्क के नामवर कवाल मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी कवाली से यहां पर समा बांधा हुआ है। यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस प्रोग्राम को कितना इंजॉय कर रहे हैं। आ जाए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? गुजरामाला में ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया, कैसा लग रहा है, कितना इंजॉय कर रही है? बहुत अच्छा इवेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ है, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, और बहुत अच्छी, बहुत देर बाद इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ है, फैमिली इवेंट है। तो फैमिली को गुजरामाला में पिछले साल एक दफ़ा कवाली हुई थी, तो बहुत एक साल बाद कवाली आ रही है, और लोग आ रहे हैं, और संतोष साहब आ रहे हैं, लोग उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, और हम खुद, और एक बड़ा अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। गुजरामाला में ये चीज़ नहीं होती, तो बहुत कम होती है, लाइक इट्स बीन एन ईयर जब दोबारा से हम ऐसी इन्जॉयमेंट के लिए दूसरे सिटीज़ जाते हैं, तो अच्छा लग रहा है गुजरामाला में, ये गुजरामाला में हो रहा है, तो गुजरामाला लोगों के लिए बहुत अच्छी स्पॉट है, जहाँ पर फैमिलीज आएँ और इन्जॉय कर सकें, दैट्स अ वेरी गुड स्पॉट। आप कितना इन्जॉय करें? मज़ा आ रहा है, अच्छा है, इट्स वेरी गुड, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा बताओ कि गुजरामाला में ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया, कितना इन्जॉय कर रही? गुजरामाला में आई थिंक सो कवाली नाइट सेकेंड टाइम हुई है, इट्स बीन 2 ईयर्स, और यहाँ पर इतना मज़ा आ रहा है, कांट इवेंट चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत एनर्जेटिक और वाइब्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। गुजरामाला में फैमिली इवेंट्स बहुत कम ऑर्गेनाइज होते हैं, तो तो ये पहली दफ़ा कि दूसरी दफ़ा आपने बताया, तो कितना अच्छा लग रहा है आपको? गुजरामाला में फैमिली इवेंट्स बहुत कम होते हैं, और ये सेकेंड टाइम आई थिंक सो कवाली नाइट की मैं बात कर रही हूँ, सेकेंड टाइम हुई है, और दिस इज़ सो अमेजिंग, लाइक आप क्राउड देख सकते हैं, दिस इज़ सो ह्यूज। आपको कितना मजा आ रहा है? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, कांट टेल यू। करके दिखाएं जो पहले कह रही थी। बड़ा मज़ा। आप बताइए आप कितना इंजॉय करें? मैं बहुत अच्छा इंजॉय करी। सबसे अच्छी ये बात है कि गुजरामाला में ऐसे मैनेजमेंट इश्यूज़ वगैरह रहते हैं, और आपको पता है कि हमें लाहौर या इस्लामाबाद इंजॉय करने जाना पड़ता है, तो गुजरामाला का ये है कि फर्स्ट टाइम, एक पहली दफ़ा कवाली नहीं तो ये सेकेंड टाइम हो रही है, तो दैट इज़ वेरी अमेजिंग कि सब लोग। सिक्योरिटी का कैसा इंतजाम है? सिक्योरिटी का अच्छा इंतजाम है, यू नो कि पहले जैसे बॉयज़ हैं और इस तरह से खवातीन कम्फर्ट हैं। हाँ जी, कम बहुत अच्छा, ठीक है कि फैमिली इवेंट है तो लोग जो है फैमिलीज के साथ आए हैं, और वो लोग बॉयज़ को आने नहीं, एंटर नहीं होने दे रहे हैं, सच के फैमिलीज के साथ आएँ या अपनी वाइफ के साथ आएँ, तो इस तरह से है इवेंट, तो अच्छा इवेंट जा रहा है, इन्जॉय कर रही। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप फैमिली के साथ आएँ? हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। शादीशुदा? हाँ जी। गैर शादीशुदा नहीं है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। गुजरामाला में ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो इसको कितना इन्जॉय कर रहे हैं? जी काफ़ी अच्छी इन्होंने की है, काविश जिसको आप कह सकते हैं, और वो बता रहे थे, अब इन्होंने काफ़ी डिपार्टमेंट से भी लोग बुलाए हुए हैं, एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं, पहली बात गुजरामाला में फैमिली इवेंट्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, ये गुजरामाला में मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई लास्ट फैमिली इवेंट हुआ हो, तो ये काफ़ी अच्छा एक स्टेप लिया गया इन्होंने किया है। अगर खवातीन की काफ़ी तादाद मौजूद है, तो उनके लिए क्या सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम है? जी ये बात है, देखिए हम पहली दफ़ा इवेंट हो रहा है, तो कुछ तो इश्यूज होते हैं, लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखा जाए, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी, इनकी जो इंतज़ामिया है उसने काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। कुछ थोड़ी सी हैं जो डिफरेंसेस हैं जो होने चाहिए ख़त्म, जैसे एक सेपरेट फैमिली के लिए ना एक अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत बेहतर इन्होंने। आप कितना इंजॉय कर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए। अब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो हम लोगों को ये इवेंट्स बहुत कम मिलते हैं, हम लोगों का एजुकेशन का ही होता है, मेरिट पे आए होते हैं, तो इस तरह के इवेंट अगर क्या समझते हैं होने चाहिए, ऐसे इवेंट होने चाहिए, हम लोगों को एक स्टडी से हटकर एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, एक रिलैक्सिंग मूड आ जाता है इंसान, अच्छी गैदरिंग हो जाती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। अच्छा गुजरामाला में सूफी नाइट के जो ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, तो कितना एंजॉय कर रहे हैं आज? जी इट वाज वेरी गुड फंक्शन, इट वाज वेरी गुड फैमिली फंक्शन है, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, एक आपने इन्वायरमेंट दिया है, क्रिएट किया माहौल ताकि लोग आएँ अपने डेली रूटीन के प्रॉब्लम्स को एक मिनट के लिए ज़रा साइड पर रखें, एंड यू गिव योर
टाइम प्रॉपरली 2-3 आवर्स जो आप इंजॉय कर लेते हैं। चलें अच्छा है, वीकेंड है, वीकेंड अच्छा गुजर गया। ये जो हनी बनी वाला सेम जोड़ा पहना हुआ है, इसकी क्या वजह है? ये सारे मम्मू का कमाल है। हम इकट्ठे शॉपिंग करते हैं, इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं, तो भी प्रेफर। आपके दोस्त हैं? नहीं नहीं, ये मेरे मामू हैं। आप मामू हैं? जी जी मामू हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। किधर से आए हैं? जी सियालकोट रोड से, गुजरांवाला से ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा गुजरांवाला में ये इवेंट कवाली नाइट ऑर्गेनाइज की गई है, तो कितना इंजॉय कर रही हैं? मुझे आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत खुशी हुई है कि इस तरह के फंक्शंस और इस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ गुजरांवाला जैसे कंट्री में जहाँ लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, मजहबी हैं, फिर भी ये ऑर्गेनाइज हुआ है। और मोस्टली हम दूसरे शहरों में जाते हैं इस इन्जॉयमेंट के लिए, तो गुजरांवाला में है, तो कैसा फील हो रहा है आपको? ये सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहिए गिफ्ट यूनिवर्सिटी के तुलबा को जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है और इसको सक्सेसफुल बनाया है। यहाँ लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, पर हमें ऐसा कोई भी बदतमीजी का माहौल दिखाई नहीं दे रहा और हम लोग सारे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, और संतु जी का इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं अब संतु आसिफ कब आते हैं, पर आ रहे हैं ना, तो यही है। जी जी हम वेट कर रहे हैं उनका। नाज़रीन आपने लोगों की बात सुनी कि वो इस इवेंट को कितना एंजॉय कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि गुजरांवाला में भी ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि ये फैमिली इवेंट था, वो फैमिली के साथ आए, उन्होंने इस इवेंट को एंजॉय किया। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमना शहबाज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।